अब देखिए, इसी तरह से आप अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे होगा। अब सबसे पहले तो देखिए, ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 10 का गैप है, -10 का। तो यहाँ पे -5 का गैप होना चाहिए, तो अगेन -5 का गैप होगा, तो ये आपका आ जाएगा 8, ये आपका आ जाएगा और 8, और यहाँ से ये 5 ज्यादा होना चाहिए, तो 18, 13, 8 और 3।